नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं छात्र जदयू पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के नालंदा भाग के महासचिव हैं आशुतोष कुमार विजेता। इनसे हम जानेंगे कि आगामी 6 अप्रैल को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिलसा आगमन होगा, इस पर क्या कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हिलसा की धरती पर 6 तारीख को आ रहे हैं। उनके आने के लिए यहाँ सरगर्मी बढ़ी हुई है और चौक चौबंद बहुत तेज़ी से साफ सफाई, उनको सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसके लिए यहाँ के प्रशासन बहुत मुस्तैद से लगे हुए हैं। क्या लगता है यहाँ जो मुख्य स्थल समारोह स्थल है बन रहा, तेज़ी के साथ बन रहा है, क्या कहेंगे। हाँ, बहुत तेज़ी से उसको यहाँ तक कि हम रात्रि में भी देखे कि रात्रि में भी कारीगर लोग, हाँ, दिन रात उनके कार्यक्रम में यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और घूम घूम कर यहाँ के कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके चाहने वाले हैं और उनके चाहने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब मिलकर देख रेख कर रहे हैं और अच्छी तरीके से उनके आगमन का हम लोग का स्वागत करने का व्यवस्था किए। आखिरकार हिलसा आ रहे हैं, क्या उद्देश्य होगा उनका हिलसा में आगमन को लेकर। देखिए, पिछले जनवरी माह से ही उनका जनसंपर्क चल रहा है कि जनता के बीच जाकर के उनसे मिले, उनका क्या समस्या है और जो भी समस्या है उसको निदान किया जाए। उसी के लिए हर जिले बाय जिले घूम घूम कर जितने भी उनके पुरानी साथी उनके कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे एकाएक करके सबसे मिल रहे हैं और उनका ये फीडबैक बहुत अच्छा है। और जो कि एक और फीडबैक उनका बहुत अच्छा है, जो 2005 में चलाए थे वो जनता दरबार, और इस साल सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने फिर से उसको शुरू किया है और जनता से रूबरू हो रहे हैं, वे बहुत अच्छा लगता है। जनता को भी अपना शिकायत को सीधे कहने का मौका मिलता है। पहले कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री होकर प्रखंड बाय प्रखंड लोगों से मिल रहा है क्या? हाँ, प्रखंड बाय प्रखंड भी अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं ताकि आगामी कोई भी चुनाव जो विधानसभा का हो जिसमें कोई उनको समस्या उत्पन्न ना हो और उसी तरीके से वो अपने अभियान को जनसंपर्क के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। जो नालंदा है, कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वो नालंदा के रहने वाले हैं, लोगों के बीच में आ गएंगे। लगता है कि कुछ सौगात हिलसा को पुनः मिलेगा। जब चुनाव प्रचार में आते थे तो पूर्वी या पश्चिमी बाईपास की बातें करते थे, विकास की बातें करते थे, अब जो आएंगे लोगों से मिलेंगे, क्या होगी। हाँ बिल्कुल, बाईपास की जब बात आती है तो सबसे प्रथम यहाँ के जन का यही था कि शराब पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से बाईपास का निर्माण करवा दें, तो सर का आदेश हुआ तो सबसे पहले तो पूर्वी पश्चिमी बाईपास बन के तैयार हो गया और उनका कुछ दिन पहले वो निरीक्षण भी किए हैं और वो आए थे थरथरी में, तो वो कहें कि थोड़ा सा हिलसा भी नया बाईपास बना है उसको मैं देख लूं, और वो आए थे और घूमे भी हैं और एक बार और मौका मिलेगा 6 तारीख को जो उनका शुभ आगमन होने जा रहा है। जानना चाहेंगे आशुतोष कुमार विजेता जी, स्वराज पैलेस के पीछे उनका आगमन है, उसी जगह काफ़ी कसमकस जाम की समस्या बनी रहती है क्योंकि उस जगह रेलवे का पटरी गुजरा है और उस जगह जब बैरिकेडिंग लगता है तो घंटों तक जाम लगी है। हाँ, जबकि रेलवे खंड नटेसर तक रुकती है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछे। ये समस्या तो बहुत ही जटिल है लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ओवर ब्रिज जब बने, ये लोग कई लोग मांग करें कि ओवर ब्रिज बनना चाहिए क्या। हाँ, हम लोग मांग करेंगे कि सर जो भी हम लोग को किल्लत हो रही है, जाम की समस्या है, इसे हम लोग को जनोद्धार किया जाए सर, और बहुत तकलीफें है सर। ये रोड है जो एक कचहरी का रोड है, कोर्ट का है, इसमें आवागमन है जो बहुत ही दिक्कत हो जाता है, इसके चलते उन लोग से हम लोग अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि सर इसमें भी एक फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाए सर, ताकि हम लोग को आने जाने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो।